वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फिर एक नई वैकेंसी की बात करेंगे और भारत के सभी विद्यार्थी खासकर 10वीं 12वीं और ITI वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, आप लोगों को उसके बारे में अपडेट होगी। अगर नहीं है अपडेट तो आज ये वीडियो देख के क्लियर कर लें क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसका पता अक्सर लोगों को नहीं चल पाता क्योंकि यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड के तहत जो पोस्ट निर्धारित की हुई है उसमें सिर्फ 10वीं 12वीं और ITI की क्वालिफिकेशन ही निर्धारित की हुई है। एकदम परमानेंट सरकारी होगी, ट्रेनिंग बेस पे ही आपको रखा जाएगा और इसमें क्वालिफिकेशन के आधार पर, योग्यता अनुभव के आधार पर आपको यहाँ पे रखा जाएगा। एप्लीकेशन फिल बिल्कुल आपको ऑफलाइन ही एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एप्लीकेशन फीस कैसे देनी है, फॉर्म को कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आने वाले हर एक छोटे बड़े विज्ञापन की जानकारी लेने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। इसी दौरान मैं हर रोज की तरह आपको प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है जहाँ से अक्सर आपको अपडेट मिलती रहती है। किसी भी वैकेंसी की बात करें तो आपको सबसे पहले उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करना होगा, तब जाके आप उसकी पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो आज हम फिर से इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करें हैं और यहीं से आपको विज्ञापन देखना होगा। ये देखिएगा जो विज्ञापन 206 पोस्टों के लिए जारी हुआ है जिसमें CTS की पोस्ट हैं, जिसमें आपको बता दें कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग शेड्यूल्स के अनुसार वैकेंसी अपडेट की गई है जिसमें ITI और 10वीं 12वीं की ही पोस्ट निर्धारित हुई है। विज्ञापन की बात करें या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें या फिर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो तीनों का अलग अलग विज्ञापन दिया हुआ है। अब दोस्तों ये चीज़ आप अपने लैपी यानी कि अपने मोबाइल में देख सकते हैं या फिर आपके जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम है उसमें आप ये देख सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो खुद स्वयं देखने की कोशिश करें, फिर बाद में इसकी जानकारी लेने की कोशिश करें। तो इसी दौरान यहाँ से विज्ञापन को कीजिएगा डाउनलोड। विज्ञापन एक पेज का होगा, पूरा ये विज्ञापन है आप लोगों के सामने और इसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई है, कब से आवेदन होगा, कब तक इसको जमा करवाना है और कैसे, क्या एग्जाम कब होगी, एप्लीकेशन फीस का क्या प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें इसमें विज्ञापन में दी हुई है। यहाँ पे हम बात करें पहली वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टार्टिंग डेट से अंतिम डेट तक यहाँ पे जानकारी दी हुई है। देखिएगा 25/6 को इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये करीबन 31 जुलाई तक फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि जो 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और 31 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। आपको बता दें कि इसकी जो जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पे नवंबर या फिर नवंबर तक आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जिसमें सर्टिफिकेट्स की क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता अनुभव की बात करें तो अब इसके विज्ञापन की बात करते हैं। ये देखिएगा जो विज्ञापन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेट इंडियन लिमिटेड SCE की रांची से निकली हुई सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, जिसके अनुसार आप लोग सभी विद्यार्थी 1958 के तहत इसकी कंपनी की संस्थापना हुई थी और इसके बेसिक डिटेल्स दिए हुए हैं, कब इसका टर्नओवर कितना होता है, क्या वर्कर्स हैं इसमें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत यहाँ पे आप लोगों को डेवलपमेंट कंप्लीट ITI कोर्स और इसमें आपको ATC की अप्रेंटिस शेड्यूल्स के तहत यहाँ पे वैकेंसियाँ अपडेट हुई है जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रिकल्स, फीडर्स, मैकेनिकल्स, वेल्डर्स, कॉपर्स और सेविंग टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। आपको बता दें कि आपको यहाँ पे 1 से 2 ईयर्स तक का ट्रेनिंग बेस पर रखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट भी किया जाएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 206 टोटल वैकेंसियाँ हैं और इसमें आप लोग आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे भले ही आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले एक स्टूडेंट हो, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर लगा सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं किसी भी कंपनी में।
तो यहाँ पे हमने ट्रेड की बात की है, इलेक्ट्रिकल फीडर, मैकेनिकल वेल्डर, कॉपर, ये ट्रेड हैं। यूनिट्स दिए हुए हैं और ट्रेनिंग बेस आपका दिया हुआ है, करीबन कोर्स इतने इयर्स का होगा, इलेक्ट्रिकल्स का कोर्स ये होगा, पोस्ट की संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। आपको बता दें कि यहाँ पे 10वीं 12वीं का भी आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास ITI ऑलरेडी पहले से ही है तो आप वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वो ATC के तहत यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ATC का मीन्स यानी कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोर्स के तहत यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। और जो ITI नहीं कर रखे हैं, सिर्फ 10वीं 12वीं के पास विद्यार्थी हैं और ITI कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे ITI करवाई जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग बेस पे या फिर वर्किंग के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ATP यानी कि जो ITI कर रखे हैं तो उनको अप्रेंटिस करवाई जाएगी, जो ITI नहीं कर रखे 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थी उनको ITI करवाई जाएगी और उनको यहाँ पे रखा जाएगा। एप्लीकेशन फीस, सैलरी वगैरह सब कुछ निर्धारित होगी। फिर बाद में आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, फिर उसके अनुसार आपको यहाँ पे यानी कि 2 ईयर्स बाद आपका जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे रखा जाएगा। तो दोस्तों ये है बेसिक डिटेल जो आपको जाननी होगी, क्योंकि इसमें जो अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली हुई है वो कोर्स के तहत निकाली हुई है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि है गवर्नमेंट निकाली हुई वैकेंसी, गवर्नमेंट है, पर यहाँ पे कुछ है कंडीशन कंपनी की जो आपको पहले क्लियर करनी होगी, पहले इसको ध्यान में रखना होगा, तभी आप आवेदन कीजिएगा, नहीं अन्यथा इसमें आवेदन मत कीजिएगा। क्योंकि कंपनी ने पहले ही आपके सामने दावा रखा हुआ है कि अगर आप इसमें 2 ईयर्स की ITI करते हैं तो अब ITI के साथ आपको यहाँ पे अप्रेंटिस भी करना होगा, फिर अप्रेंटिस के बाद आप यहाँ पे परमानेंट भी रह सकते हैं, तो उसके लिए आपको रहना ही होगा यहाँ पे परमानेंट। ये चीज़ें कंपनी के अकॉर्डिंग, नियम और कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होगा। इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की पूरी डिटेल्स दी हुई है और कैसे एप्लीकेशन फीस जमा करवाना है, कहाँ करवाना है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आप बिल्कुल ऑफलाइन भरना होगा। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे ₹750 एप्लीकेशन फीस जमा करवाना होगा, जबकि SC ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेमेंट जमा नहीं करवाना होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब इसमें आपको बता दें कि जो आपकी ट्रेनिंग फीस या एडमिशन फीस या आपकी सैलरी वगैरह जो भी होगी उसका भी यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे अगर 10वीं 12वीं के विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो उनकी थोड़ी ज़्यादा फीस होगी, और जो उनकी क्योंकि ट्रेनिंग फीस भी यहाँ पे ली जाती है तो ट्रेनिंग फीस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रखा जाएगा। अगर आप एक ITI हैं, ITI के साथ अप्रेंटिस कर रखे हैं, तो उनको यहाँ पे अलग से फीस जमा करवानी होगी, जो फीस मैंने आपको अपडेट की है। इसी दौरान हम आगे बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 10वीं 12वीं के ही विद्यार्थी हैं तो 10वीं 12वीं का और आपका सर्टिफिकेट कास्ट वगैरह जो लगाना होगा वो लगा सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं के साथ ITI का सर्टिफिकेट, NCVT का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को यहाँ पे जो यानी कि सर्टिफिकेट होगा आपका ITI का, तो क्लियर यहाँ पे होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरी जानकारी, ताकि आप लोग खुद समझ पाएँ। दोस्तों SCL ट्रेनिंग बेस पे इसमें वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें आप लोग आवेदन करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी अगर आवेदन करते हैं तो उनको यहाँ पे ITI करवाई जाएगी, यानी कि ITI 2 ईयर्स या 1 ईयर्स के ITI करवाई जाएगी। अगर आप ITI कर रखे हैं तो उनको यहाँ पे अप्रेंटिस करवाई जाएगी। अप्रेंटिस और ITI दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट इसमें लगा सकते हैं, इसी कंपनी के तहत आपको ITI करवाई जाएगी, और यहीं पे आपको जब भी वैकेंसी निकलेगी तो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ बेनिफिट मिलना तय होगा। तो इसीलिए आप अगर ITI करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्म लगा सकते हैं, और यहीं से आप फॉर्म लगा के आप यहाँ पे नौकरी भी कर सकते हैं और यहाँ पे परमानेंट भी रह सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। अब मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो दोस्तों दो एप्लीकेशन फीस होगा, जो SBI बैंक चालान के तहत आपको ये जमा करवाना होगा। ये देखिएगा ₹750, ये सिर्फ OBC और जनरल कैटेगरी को ही जमा करवाना होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी और ये बैंक में जाके आपको जमा करवाना होगा। फिर से बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आप इसे ऑफलाइन ही जमा करवा सकते हैं 31 जुलाई से पहले।
फॉर्म को जो सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये करीबन 2 पेज का फॉर्म है, तो ये फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज यहाँ पे लगा के इसके ऑफिशियली एड्रेस पे भेज सकते हैं। एड्रेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एड्रेस भी इसका दिया हुआ है, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, गलती मत कीजिएगा। अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं तो आप इसमें करीबन 3 से 4 साल तक आपको यहाँ पे ट्रेनिंग बेस पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी, तब जाके आप यहाँ पे परमानेंट हो पाएंगे। तो ये इसका विवरण है, आई होप कि आप सभी विद्यार्थी समझ पाए होंगे। और मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट तो जो झारखंड के निवासी हैं उनको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि वो वहीं की वहीं इसमें कर सकते हैं, जो आईटीआई नहीं कर रहे हैं तो कर सकते हैं और इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वैकेंसी के साथ फिर शुरुआत करेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।